नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। गौतम आदानी जी के विषय में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है। आज मैं गौतम आदानी जी का हॉरोस्कोप और एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या होगा। क्या गौतम आदानी जी का भविष्य यहीं से खत्म हो रहा है या फिर वो बाउंस बैक करेंगे, कहां से साजिश हुई, क्या क्या बातें हैं, इन सभी चीजों की चर्चा मैं कोशिश करूंगा उनके कुंडली से डिसाइफर करने की। इसलिए रोचक वीडियो है, लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आप लोगों के सबसे पहले गौतम अदानी जी का हॉरोस्कोप दे रहा हूं। इनका हॉरोस्कोप 1962 का है। मैं एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं बता रहा हूं क्योंकि जिन्होंने मुझे दिया है ये, उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा खुलासा मत कीजिएगा, लेकिन आप कुंडली देखिए, समझने के लिए ये काफी है। वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में बहुत ही स्ट्रांग मर्क्यूरी बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी कौन है? फिफ्थ लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का लग्न में बैठना ये बहुत अच्छे संकेत है। इनका लग्न लॉर्ड को देखिए, शुक्र को, वो थर्ड हाउस में। लग्न का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति नए आइडियाज पर काम करने वाला होता है। थर्ड और फिफ्थ का जिस तरीके का ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने वाला भी होता है और रिस्क में उसको काफी फायदा होता है। इस कुंडली में आप देखिएगा तो बहुत सारे राजयोग है। सबसे पहले तो फिफ्थ का लॉर्ड यदि लग्न में बैठा है तो वही राजयोग है। आप देखिए टेंथ लॉर्ड नाइन्थ में बैठे हुए सैटर्न, ये एक राजयोग है। आप एक तरीके से देखिएगा तो चंद्रमा जो कि टेंथ हाउस में है, चंद्रमा का मूल त्रिकोण आप लग्न को भी, इस कुंडली का जो लग्न है वृषभ, उसको भी मान सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप देखिए कुंभ राशि है उनकी, और कुंभ राशि के लिए अभी क्या चल रहा है, बिल्कुल शनि के साढ़े साथी का इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है। इनके चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजर रहे हैं, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस तो होना ही है, मेंटल टेंशंस इनको रहेगा इस समय। थर्ड हाउस में वीनस और राहु हैं, इस पर हम लोग आज थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि इस हॉरोस्कोप में अभी शुक्र का महादशा चल रहा है और राहु का अंतरदशा भी चल रहा है। और गौर से देखिए, इस कुंडली के ट्वेल्थ हाउस में मंगल है और उस मंगल के ऊपर से अभी ट्रांजिट के राहु गुजर रहे हैं। ये भी एक तरीके का बंधन योग है, बदनामी वगैरह देता है, लॉसेस देता है। इनके नाइन्थ हाउस में सैटर्न और केतु बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, 17 degrees, यानी कि आप नवमांश में भी जाकर देखिएगा तो शनि और केतु आपको साथ ही दिखेंगे, दशमांश में देखिएगा तो भी शनि और केतु आपको साथ ही दिखेंगे। अब जब हम लोग गौतम अदानी के करियर की बात कर रहे हैं तो एक बार जरा सा इनके दशांश को भी यदि आप देखें, आप यदि एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इनके दशांश को देखिएगा तो इनके टेंथ हाउस में दो बहुत ही सॉलिड राजयोग बन रहे हैं। एक तो लग्न लॉर्ड वीनस और नाइन्थ लॉर्ड मर्क्यूरी, ये दोनों टेंथ हाउस में बहुत स्ट्रांग राजयोग है। दूसरा आप देखिएगा तो चंद्रमा और शुक्र टेंथ और लग्न के बीच में एक परिवर्तन है, और मर्क्यूरी जो कि इनके लग्न में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, वो विषनाशिनी अंश में है। यानी कि इनके जीवन में जो भी विष वगैरह आएंगे उनको ये मर्क्यूरी उनका नाश करेगा। अब हम लोग जरा वीनस और राहु की चर्चा कर लेते हैं। वीनस और राहु जब साथ में बैठ जाए फ्रेंड्स, तो ऐसे व्यक्तियों को फाइनेंशियल मामले में और स्त्रियों के मामले में काफी सतर्कता रखनी चाहिए।
और ऐसे व्यक्ति पर कुछ लांछन फाइनेंसेस से संबंधित लग सकते हैं जीवन में कभी ना कभी। और अभी देखिएगा तो शुक्र में राहु का अंतर इनका शुरू हुआ था और इसी पीरियड में ये चीज एक्टिवेट हो रहा है। हालांकि शुक्र और राहु बेनिफिट्स भी देते हैं, थर्ड हाउस में ही है, राहु वैसे भी विदेशों को रिप्रेजेंट करता है। विदेशों में ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं और विदेशों के साथ ऐसा व्यक्ति बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस करता है। लेकिन विदेशों में ऐसे व्यक्तियों को अपने डॉक्यूमेंट्स आदि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कानूनी समस्याएं भी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को चमक दमक वाले चीजों में, आकर्षण वाले चीजों में काफी सफलता मिलती है, जैसे मीडिया, जैसे इंटरनेट से संबंधित चीज, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा, कैमरा से संबंधित चीजें। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में वो शायद मीडिया में भी, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट था कि इन्होंने NDTV को टेक ओवर किया है। अब ये जर्नी इनका देखना होगा कैसा रहता है। बाकी राहु और वीनस इन चीजों में सफलता दिलाता है। सैटर्न और केतु के नाइन्थ में बैठने का मतलब है ऐसे व्यक्ति का तरक्की जो है वो 44 के बाद ज्यादा होता है। अभी शायद ये 60 ईयर्स के हैं, ज्यादा तरक्की इनकी 44 के बाद शुरू हुई होगी। सैटर्न और केतु जब काफी क्लोज बैठता है फ्रेंड्स, तो एक चीज का ध्यान ऐसे व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए, इमोशंस में आकर या प्रेशर में आकर कभी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, और खास करके वर्क से रिलेटेड चीजों को। सैटर्न इस हॉरोस्कोप का योग कारक प्लैनेट है, इसलिए बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। सैटर्न और केतु वैसे भी वर्गोत्तम अंश में बैठे हुए, इसलिए भी थोड़ी चीजें संभल जाती है। सैटर्न और केतु दशांश में भी जाकर फिफ्थ हाउस में अगेन एक त्रिकोण में बैठ जाता है, इससे भी चीजें संभल जाती हैं, लेकिन फिर भी इसका ध्यान हमेशा रखना पड़ता है। अब गौतम अदानी जी का धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, वो धार्मिक हैं या नहीं, यदि हैं तो किस देवता को फॉलो करते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन सैटर्न और केतु के इतने क्लोज बैठने का मतलब है माँ काली की उपासना इनको करनी चाहिए। वैसे भी देखिएगा तो राहु और वीनस दोनों साथ में हैं, तो देवी की पूजा इनके लिए ज्यादा श्रेयस्कर रहेगी, ये दिखता है। अभी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा यदि इनका देखिएगा तो इनका शुक्र में, राहु में, शनि में केतु, ये 27 जनवरी को शुरू हुआ है और 6 फरवरी तक चलेगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था। और शायद ये जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं वो शायद 27 जनवरी को ही आए थे, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद इसी के इर्द गिर्द आया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर फ्रेंड्स एक प्रश्न कुंडली और जमकुल प्रश्न चार्ट ये दे रहा हूं, आप देखिए। ये 30 जनवरी के सुबह सुबह 6:51 AM बिल्कुल सुबह सुबह को रिकॉर्ड किया गया प्रश्न है। आप देखिएगा कि जो लग्न है वही उदय लग्न भी है, मकर राशि का लग्न राइजिंग भी है और उदय लग्न भी उसी का है। सूर्य वहां बैठे हुए हैं, बाहर जो एरो डाला हुआ है उसमें जुपिटर, जाम प्लैनेट्स में जुपिटर है, सेकंड हाउस में सैटर्न और वीनस हैं कुंभ राशि में, थर्ड हाउस में जुपिटर है और जाम प्लैनेट्स में मंगल के साथ उनका संबंध बन रहा है, फोर्थ हाउस में राहु है, जाम प्लैनेट में सूर्य के साथ संबंध बन रहा है, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा और मंगल है और कविप्पु यानी कि छत्र लगन भी वही है, सिक्स्थ हाउस में जाम प्लैनेट्स में राहु है, सेवेंथ हाउस में मून, एट्थ हाउस में कुछ नहीं, नाइन्थ हाउस में शनि है जाम प्लैनेट में, टेंथ हाउस में केतु और वीनस का संबंध बन रहा है, ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट मर्क्यूरी भी है और जाम प्लैनेट में भी मर्क्यूरी है, एकदम स्पष्ट है फ्रेंड्स, टेंथ हाउस में केतु और वीनस का संबंध, फाइनेंशियल लॉसेस।
फिफ्थ हाउस में कविप्पु। फिफ्थ हाउस किन चीजों का होता है? शेयर मार्केट का फिफ्थ हाउस ही होता है। फिफ्थ हाउस में कविप्पु, ये जो लांछन लगा है ये पूरा शेयर्स और शेयर मार्केट से संबंधित ही है। इनफैक्ट जो लांछन लगाने वाला है वो भी शायद शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। तो प्रश्न कुंडली बिल्कुल सही है। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा है। कृतिका नक्षत्र का एक सिंबल है अग्नि, दूसरा सिंबल है स्वॉर्ड, चीजों को काट कर अलग करना। अग्नि चीजों को शुद्ध करता है, यानी कि इस घटना के बाद बहुत सारे एक्शंस होंगे, बहुत सारा शुद्धिकरण होगा, अनवांटेड चीजों को हटाया जाएगा, काट कर अलग किया जाएगा। और कृतिका बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस में कविप्पु का मतलब क्या होता है? फिफ्थ हाउस कुल देवता का भी होता है, मंत्र साधना का भी होता है। और फिफ्थ हाउस में चंद्रमा और मंगल उपस्थित हैं, ये भी बताता है कि विषाक्त मानसिकता, गलत इंटेंशंस के साथ इन पर आरोप लगाए गए। और मंगल और चंद्रमा का यहाँ साथ में होना, मेंटल टेंशंस तो बढ़ेंगे। लेकिन सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा और उच्च के होकर हैं इस कुंडली में, तो ये अगेन बताता है कि लॉसेस तो होंगे लेकिन रिकवरी भी होगा। अब सेकंड हाउस में देखिए, सैटर्न और वीनस का जब सेकंड हाउस में संबंध बनता है तो ये बहुत ही वेल्दी स्टेटस, बहुत ही अमीर व्यक्ति और बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति, फाइनेंशियली सक्सेसफुल व्यक्ति की ओर इशारा करता है। आप द्रेशकान देखिए, जिस द्रेशकान में इसकी राइजिंग है वो दिखाता है टॉल, डिवोटेड टू ड्यूटी, रिच, गुड क्लोथ्स, हाई पेडिग्री एंड वेरी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा व्यक्ति देखने में लंबा होता है, बहुत कीमती कपड़ा पहने हुए होता है, बहुत रिच होता है, बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति होता है और आत्मसम्मान इसका बहुत ही हाई रहता है। टेंथ हाउस के साथ जान प्लैनेट में शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। शुक्र का जब भी टेंथ हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बने तो ऐसे व्यक्ति का सेकंड हाफ बहुत रिचेस से भरा हुआ होता है। लग्न में ही आप देखिए गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है। होरा लॉर्ड मर्क्यूरी है, वो भी ट्वेल्थ हाउस में चले जाते हैं। मर्क्यूरी वैसे भी नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, ये भी दिखा रहा है टेम्पररी सेटबैक, फाइनेंशियल लॉसेस। जाम प्लैनेट्स में सिक्स्थ हाउस के साथ राहु का संबंध है। कुछ हमारे देश के लोग, पावरफुल लोग, कुछ इनकी कंपनी के सदस्य भी इन चीजों में या पूर्व सदस्य इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस के साथ राहु का संबंध बन रहा है, ऐसे व्यक्ति के पीछे विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है। इस प्रश्न कुंडली को देखकर बहुत स्पष्ट होता है कि गौतम अदानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सन भले ही यहां एट्थ हाउस के लॉर्ड लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र राइजिंग है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र राइजिंग और सूर्य का लग्न में बैठना, ऐसा व्यक्ति को आप दबा नहीं पाइएगा, इसके तेज को, इसके चमक को आप मलिन नहीं कर पाइएगा। लग्न में ही जुपिटर और सूर्य दोनों का संबंध बनना, मैंने पहले ही कहा ब्लेसिंग्स, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद की कमी नहीं है। फोर्थ हाउस में अगेन सन और राहु, यहां भी दिखाता है कि कुछ पॉलिटिकल एंगल भी इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज के तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता। इस कुंडली का आरूढ़ लगन सेकंड हाउस में है। वेल्थ का टेम्पररी सेटबैक होगा, लेकिन ये आदमी फिर से वेल्दी हो जाएगा। आप चंद्रमा के अवस्थाओं को देखिएगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए पांचवें चंद्र अवस्था में ये चंद्रमा आता है, इसका मतलब होता है
अबंडेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस एंड वर्च्यूज, पूरे परिवार का साथ मिलेगा, पूरे कुटुंब का साथ मिलेगा, हो सकता है पूरे देश का साथ मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। 15th चंद्र वेला में आता है, हैविंग अबंडेंट एंगर। अभी तक ये न्यूज में आया तो नहीं है, लेकिन बहुत नॉर्मल बात है कि आपकी गाड़ी खड़ी है और कोई बच्चा आकर एक पत्थर मारकर आपका कांच तोड़ दे, ऐसे ही अनर्गल बिना कोई वजह के, तो गुस्सा तो होगा। तो गौतम अदानी में गुस्सा होगा इस समय में। 25वें चंद्र क्रिया में आता है, अ पर्सन हु कॉन्करस हिज एनिमीज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दुश्मनों पर विजय पाता है। इस प्रश्न कुंडली को देखकर लगता है कि गौतम अदानी जी पर यह पहली बार आरोप नहीं लगे हैं, और भी कई बार लगे होंगे। और मुझे लगता है यहाँ के एक पॉलिटिकल क्लास के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस इनको टारगेट करते रहते हैं, वो तो हम लोग जनरली न्यूज वगैरह में भी देखते हैं तो समझ में आता है। लेकिन ये व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, एक फाइटर व्यक्ति है। और इनकी कुंडली से भी अभी लग रहा है शुक्र का महादशा, इनका अच्छा महादशा चल रहा है, एक टेम्पररी सेटबैक है। कुछ लोगों ने पूछा शेयर होल्डर्स का क्या होगा, देखिए मुझे इनकी कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके शेयर होल्डर्स को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम लोग भारत में भेड़ चाल से ही चलते हैं, एक अफवाह फैलता है और मार्केट गिर जाता है, और एक अफवाह फैलता है और लोग शेयर खरीदने भी लगते हैं। मुझे लगता है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गौतम अदानी जी के फंडामेंटल्स किसी भी तरीके से मुझे इन दोनों कुंडलियों को देखकर कमजोर नहीं दिखते हैं। और ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है, अभी भी आप देखिएगा इनकी कुंडली में ट्रांजिट सैटर्न अपनी थर्ड दृष्टि से मार्स को देख रहे हैं, तो ये कुछ बड़ा बहुत जल्दी करने वाले हैं, आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। कोई बड़ा रियल एस्टेट का काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये करेंगे, और इनके शेयर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, इनके कंपनी में वैल्यू है, तो इसलिए शेयर होल्डर्स को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, कभी भी एक न्यूज आ जाता है उसके बाद शेयर्स में बहुत परेशानी आ जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर वो रिकवर हो जाता है, वैसा ही होगा। और गौतम अदानी जी भी मुझे लगता है अनवरत रूप से अपना कार्य करते जाएंगे, इन चीजों से मुझे नहीं लगता उनको कोई फर्क पड़ेगा। टेम्पररीली तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स इस डिटेल्ड एनालिसिस में उनका जन्म कुंडली, उनके प्रश्न कुंडली के आधार पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे पाया हूंगा, और आपके मन में जो भी आशंकाएं, जो भी प्रश्न रहे होंगे, उनमें से बहुत प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की।